नहीं हमको नहीं लग रहा सर, हाथों पे बांधा हो और हमको लग रहा खत्म हो। सर दुमका शहर में जो समस्या है आज उसके भ्रमण के लिए आपने क्या लगा? देखिए चूंकि गर्मी का सीजन है और गर्मी जो है एकदम अपराध है, और कुछ चीज़ें सुनने को मिली कि पानी की काफ़ी परेशानियां हैं, उसको देखते हुए आज जिन जगह पे पियाव बना है उसकी सुध लेने हम लोग निकले कि क्या स्थिति में है, लोगों को कहाँ परेशानी आ रही है उसको जानने का प्रयास किए, और जहाँ जहाँ ऐसे नल हैं पियाव बने हैं जो चल नहीं रहे हैं उसको चालू करने की व्यवस्था की। सर भीषण गर्मी है लेकिन यात्री सेट भी कहीं नहीं है दुमका में, इसको लेकर। और आज जो है एक लोगों की मौत भी है, लगातार कई लोगों की मौत हो रही है लेकिन आज भी एक यात्री सेट भी। जी जी जी, क्योंकि मुझे भी तुरंत ही खबर अभी आज ही मिली है खबर इसकी, और यही वजह है कि आज मैं शहर को देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पियाव बने उसकी स्थिति क्या है, उसका जायजा ले लिया गया है और निर्देश भी दे दिया गया है उन लोगों कि आप जितनी जल्दी हो सकता है इस पियाव को चालू करें। गर्मी तो अब अत्यधिक है, 40-45 डिग्री है गर्मी। गर्मी के कारण आदमी 10 से 11 बजे के बाद निकल नहीं पाते हैं, और आलम यह है कि न कहीं यात्री शेड है, न पानी की कोई व्यवस्था है जैसे पंसाला वगैरह कुछ खोला जाए, जिसके कारण जो भी आदमी निकलते हैं उसको थोड़ा सहूलियत मिले, यहाँ पर अच्छा रहे, उसको सब तरह का पानी उनी का व्यवस्था रहने से मान लो दोपहर में निकलते हैं, और 10 बजे 11 बजे के 12 बजे के बाद तो आदमी निकलता ही नहीं है, जो फिर काफ़ी समस्या हो जाती है यहाँ पर। गर्मी के कारण जो भी निकलते हैं वो एकदम मजबूरी में निकलते हैं, वो बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से निकलते हैं। जहाँ तक हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात है, मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी उतना ज़्यादा उत्तम नहीं है, जहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर प्रोवाइड किए जाए, जिस कारण से लोग बाहर जाने के बजाय किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो उसको यहाँ पर अपना इलाज करा सके। क्योंकि अभी अधिकतर आदमी या तो बंगाल भागते हैं या फिर भागलपुर पटना कलकत्ता इधर ही भागते हैं, तो इस सब का थोड़ा ध्यान दिया जाए। और अभी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आइटम यही है, ज़रूरी बात यही है कि गर्मी के लिए कुछ ना कुछ उचित प्रबंध किया जाए। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा गर्मी, अपने जीवन में इतना गर्मी नहीं देखे थे, इसके बावजूद भी लोग को बाहर निकलना पड़ रहा है जीवन यापन के लिए, लेकिन कहीं भी कोई ना पानी का व्यवस्था है, ना कोई शेड का व्यवस्था है, और ना ही स्कूल में कोई राहत है कि ज़रा मैंने समय चेंज किया जाए या समय घटाया जाए, बहुत परेशानी है। काम तो देखिए कितनों धूप बढ़ जाए काम करना पड़ता है, व्यवस्था के मामले में जीरो, ना कहीं पानी का व्यवस्था है, ना कहीं छाया में खड़ा होने के लिए कोई शेड है, जितना भी आदमी खरीद कर पानी पी रहा है, इस धूप में हम लोग को निकलना मुश्किल है, लेकिन पेट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, धूप में दौड़ रहे हैं, पर प्रशासन ना सूचना विभाग को कोई भी तरह का धूप नज़र आ रहा है, जनता मर रहा है, लू लग रहा है, पर कोई देखभाल नहीं है, हम लोग इसी तरह खरीद कर पानी पी रहे हैं और चल रहे हैं, क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं है, सरकार देख नहीं रही है, हम लोग चल रहे हैं, काम तो करना पड़ेगा, कैसे चलेगा घर मेरा, चल रहा है, क्या करें, किससे कमा खा रहे हम लोग, गर्मी बहुत है इससे हम लोग को लू भी मार दिया, क्या करें, कमाना खाना बच्चा कुछ हम लोग का परिवार है, कमाना तो होगा, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा आया, कुछ सुविधा नहीं, पानी वानी का नहीं है, और टोटो वाला सबको लिए परेशानी नहीं, कुछ पानी वानी का कोई चीज़ में व्यवस्था नहीं है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है।